नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और अब वक्त हो गया है बिजनेस आज तक का। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला करके पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीदों को दिया है झटका। फैसले के बाद ब्रेंट क्रूड 4% तक महंगा हुआ। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एमएसएमई के बकाया भुगतान के मामलों में तेज इजाफा। बीते एक साल में एमएसएमई के पेमेंट में देरी के मामले में 88% की बढ़ोतरी। अप्रैल दिसंबर 2020 में एफडीआई का आंकड़ा 40% बढ़ा। 9 महीनों के दौरान देश में एफडीआई के जरिए आए $51.47 अरब। $1 अरब मार्केट कैप की कंपनियों की संख्या में यूके को पीछे छोड़ सकता है भारत। फिलहाल भारत में $1 अरब मार्केट कैप से ज्यादा वाली 335 कंपनियां मौजूद। रेलटेल ने 4000 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की प्रीपेड वाईफाई सर्विस। ₹70 में मिलेगा 60 GB डेटा। इंफोसिस एक्सचेंजर के बाद कैब जामिनी और रिलायंस ने भी कर्मचारियों के फ्री टीकाकरण का किया ऐलान। कर्मचारियों के परिवार को भी लगेगी फ्री वैक्सीन। अब ग्रामीण बाजारों में बिक्री के लिए होगा कड़ा मुकाबला। ब्रिटानिया, नेस्ले और पार्ले ने बनाई बिक्री बढ़ाने की रणनीति। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदने के होड़ में शामिल हुई डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज। एसईआई को खरीदने की रेस में शामिल दूसरी कंपनियों की बढ़ी मुश्किलें। गाड़ी पर लगे फास्टैग से अब खरीद सकेंगे पेट्रोल डीजल, पार्किंग में भी होगा इस्तेमाल। डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए आया नया फीचर। मोबाइल के अलावा कंप्यूटर से भी वॉइस और वीडियो कॉलिंग करना होगा मुमकिन।